हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को ई श्रम कार्ड के बारे में। अभी तक आप लोगों ने जो नहीं जाना होगा, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि दोस्तों जो है आप देखते थे कि आपके पड़ोसियों के पैसे आ रहे थे, आपके दोस्तों के पैसे आ रहे थे, लेकिन आपका पैसा ई श्रम कार्ड में कोई भी नहीं आया। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं आया था, इसके बारे में आज बताएंगे। और आज ये भी बताएंगे आपको कि हम इसमें आप जब ये डिटेलों को सही करेंगे तभी जो है आपका पैसा आएगा। आएगा दोस्तों, जरूर आएगा, गारंटी से दोस्तों आएगा। बस हमारी वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक, आपको हम बताते हैं क्या करना है आपको ई श्रम कार्ड में, क्या चेंजेस आपको इसमें करने हैं, कैसे क्या आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। तो बस हमारी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों हम जो पॉइंट बताएंगे आपको वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो है 100% आपके पैसे आने ही आने हैं। आपकी जो चारों इंस्टॉलमेंट है, तीन इंस्टॉलमेंट दोस्तों आई हुई हैं, वो ज़रूर आएंगी, और बाकी जो है आगे के आने हर मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे इसमें दोस्तों। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, आपको बताते हैं। तो हमारे डेस्कटॉप पर आप आ जाइए और आपको बताते हैं इसमें क्या करते हैं। तो पहले सबसे पहले आपको जो है अपना क्रोम ब्राउजर या कोई अन्य ब्राउजर खोल लेना है, जिसमें आपको ई श्रम.गवर्नमेंट.इन टाइप करना है और होम वेबसाइट पर आपको आ जाना है ई श्रम कार्ड की दोस्तों। आप जब इस श्रम कार्ड की होम वेबसाइट पर आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आपने देख लिया है, मैं इस पोर्टल पर हूँ, और यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है। यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ई शर्मा रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं अपडेट का ऑप्शन, आप अपडेट पर क्लिक करेंगे। आपको ये नहीं करना है कि अपडेट सुन करके आपको वीडियो स्किप कर देना है, ऐसा नहीं करना दोस्तों, क्योंकि हम आपको जो है आगे काफ़ी आपको अलग प्रोसेस बताने वाले हैं, जो आप लोगों ने काफ़ी वीडियो देखी होगी, लेकिन उससे सबसे हटकर ये हमारा प्रोसेस है। आप जब वीडियो मेरा देखेंगे लास्ट तक तो आपको ज़रूर पता हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको आपके पास इस तरीके का एक डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। आप यहाँ पर जब आप शुरुआती तौर में देखेंगे, होम लिखा होगा, फिर डैशबोर्ड लिखा होगा, फिर यहाँ पर आप जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिखा हुआ होगा आपको। तो आप पहले से रजिस्टर्ड हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ से भी आप मतलब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से दोस्तों नहीं करना, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पर पहुँच सकते हैं अपना यूएन नंबर डालकर, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं यूएन नंबर डालना है, आपको यहाँ पर जो है अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक नया पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपको आपका अपना जो है मोबाइल नंबर मांगेगा, वो आपको डालना है जो आपने ई श्रम कार्ड में लगाया हुआ था दोस्तों। तो मैं अपना जो है मोबाइल नंबर इसमें इंटर कर रहा हूँ, नंबर इंटर करके दोस्तों जो है जो कैप्चा दिया होता है उस कैप्चे को इसमें इंटर कर देना है। तो मैं अपने नंबर को और कैप्चे को दोनों को इसमें इंटर किए ले रहा हूँ, अभी मैंने इंटर कर दिया। फिर जो ये सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है सेंड ओटीपी पर, और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी पहुँच जाएगी। मैं देख रहा हूँ ओटीपी जैसे ही आती है आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। हमारी ओटीपी दोस्तों आ चुकी है, मैं ओटीपी को इसमें इंटर कर और आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो देखते हैं मेरी ओटीपी कहाँ गई है। हाँ, हमारी ओटीपी दोस्तों दिख गई है। मैंने अपनी ओटीपी जो है इसमें इंटर कर दी है और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक जो है आधार नंबर का ऑप्शन आएगा। इसमें दोस्तों अपना जो आधार नंबर इंटर करना है, वो आधार नंबर जिसने जो आधार नंबर आपने ई श्रम कार्ड में लगाया था, मतलब जो अपना ही आधार इंटर करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें फिंगर आयरस और फिर ओटीपी का ऑप्शन आता है दोस्तों, दूसरे का इंटर करोगे आपका नहीं हो पाएगा। मैंने इंटर कर दिया है देख सकते हैं, और मैं गेट ओटीपी पर क्लिक कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों हमारे मोबाइल आधार पर जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, इसलिए मैं ओटीपी पर क्लिक करके अपनी ओटीपी के जरिए इसमें लॉगिन हो रहा हूं दोस्तों। अगर जो आपके आधार में आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट से भी इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं ओटीपी के जरिए इसमें लॉगिन हो रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ आगे का प्रोसेस क्या करना है दोस्तों।
जैसे मैंने ओटीपी यहाँ पर अपना कैप्चा एंटर कर दिया, फिर सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, हमारी ओटीपी जो है हमारे नंबर पर भेज दी गई है, जिस ओटीपी को हम दे में डालेंगे। तो देखते हैं हमारी ओटीपी कितनी देर में आ रही है। हमारी ओटीपी दोस्तों आ गई है, मैं इसमें इंटर कर रहा हूँ। मैंने ओटीपी इंटर कर दी, फिर जो है वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे, तुरंत जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते ही हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें दोस्तों हमारे डेट ऑफ बर्थ का जो है लास्ट ईयर यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर आपका जेंडर दिखेगा। दोस्तों सबसे मेन चीज़ दोस्तों यहीं पर भी है, अगर जो आपने इससे पहले यहाँ तक कहीं खोला है, आपने अपना जो है अपडेट करने के लिए खोल चुके हैं और आपने धोखे से यहाँ पर क्लिक करके और उसको अपडेट कर दिया है, जो यहाँ पर टिक मार्क का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ पर अपडेट ईकेवाईसी पर अपडेट कर दिया। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी आपके लिए नुकसान की चीज़ है दोस्तों, नुकसानदायक है, क्योंकि दोस्तों इस पर आपको अपडेट नहीं करना है। इसका मतलब दोस्तों ये है, आप समझ सकते हैं पढ़ करके, कि आई डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ ईसम, कि मतलब जो मैं ईसम का पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ। इसका मतलब दोस्तों ये है रिवोक माई आधार कंसेंट गिव एयरली, मतलब एयरली फिर लिखा है क्लिक हियर टू रीड कंसेंट फॉर्म, मतलब इसमें इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप जो है ईसम कार्ड का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। आपने जो इससे पहले जो आपने वो डिक्लेरेशन दिया था, मतलब कि मैं ईसम कार्ड में मतलब इनरोल करना चाहता हूँ, उसको मतलब ना मानते हुए इसे रद्द करने के लिए दिया हुआ है। आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, इसका दूसरा पेज खुल जाएगा, उस पर देख करके आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर आपको तभी क्लिक करना है जब आपको अपना ई श्रम कार्ड कटवाना हो, आप ई श्रम कार्ड में रजिस्टर नहीं होना चाहते हैं, तब यहाँ पर आप क्लिक करके अपडेट कर देंगे दोस्तों, आपका ई श्रम कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। अगर जो आप पहले से ये कर चुके हैं तो आपके पैसे नहीं आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये निरस्त करने के लिए ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्लिक नहीं करेंगे, आगे का प्रोसेस भी मैं आपको बता दें, यहाँ पर आप क्लिक नहीं करेंगे, फिर जो है अपडेट ई के वाई सी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देंगे। जब इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपडेट प्रोफाइल और एक डाउनलोड मतलब यूएन कार्ड होगा, इस ऑप्शन पर आप करेंगे डाउनलोड वाले पर, तो आपका यूएन कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि ई श्रम कार्ड आपका डाउनलोड रहेगा जो। तो उस पर डाउनलोड आप करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, इससे पहले आपको अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। आपके पास ये छः ऑप्शन जो हैं खुल करके आ जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, आपकी सारी चीज़ें तो सही होगी, आपको बैंक डिटेल पर जो बैंक अकाउंट डिटेल लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे आप, फिर यहाँ के लिए आपको यस करना है, यहाँ यस करेंगे आपके पास इस तरीके का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है दोस्तों, आपको यहाँ जो अपनी बैंक अकाउंट एंटर किए हुए हैं उसमें जो है आधार सक्सेसफुल रजिस्टर्ड होना चाहिए, NPCI द्वारा वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट NPCI से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी जाकर आप इसका लाभ ले पाएंगे। जहाँ तक दोस्तों हम बताते हैं, यहाँ पर कई लोगों की जो है डिटेल मतलब फीड हुई नहीं आएगी, जिन लोगों की डिटेल यहाँ पर फीड हुई नहीं आए वो अपनी डिटेल यहाँ भर करके फिर अपडेट कर दें दोस्तों। मेन चीज़ दोस्तों यही है ई श्रम कार्ड में, इसके अलावा कोई मतलब खास नहीं है। अगर जो इन चीज़ों को आपने ध्यान दे लिया तो आपके जो है पैसे ज़रूर आएंगे। मैं बैक करके और कुछ भी आपको बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख लिए मेरे में डिटेल फिल हुई है, पूरी कम्प्लीटली डिटेल फिल है, तो हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं। आपके में अगर जो ये ब्लैंक आ रही है, खाली आ रहे हैं ऑप्शन, तो आपको इसमें अपनी पूरी डिटेल सही सही फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्पोरेशन एंड स्केल से पर आपको क्लिक करना है और यस कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन कई आ रहे हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या आप काम कर लेते हैं, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, ये सारा कुछ आपको आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने काम के हिसाब से आपको डालना है, आप लेबर हैं अगर जो तो लेबर डालना है, एग्रीकल्चर का काम करते हैं वो डालना है, जो भी आप काम करते हैं इसमें कई काम से आपको आते हैं वो डाल देना है। फिर यहाँ पर आपके पास अगर जो कोई सर्टिफिकेट है दोस्तों तो उसे ज़रूर अपलोड कर देना है। आप सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे अगर जो, तो आपका पैसा कहीं रुकने वाला ही नहीं है, मेरी 100% गारंटी है दोस्तों, अगर जो आपने इसमें अपने कार्य का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया तो।
दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबका जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना, क्योंकि दोस्तों इसे अपलोड करेंगे तो उनको ये पता हो जाएगा कि आप सर्टिफाइड हैं, आप वर्कर्स हैं इस काम के, आपको उसके काम के बारे में कोई अगर जो जॉब वगैरह मिलती है तो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। दोस्तों इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करके, व्यू जो प्रोफाइल है इस पर क्लिक करके आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना है दोस्तों, और सही हो तो उसे अपडेट कर देना है, जो भी गलत हो उसे सही करके अपडेट कर देना है दोस्तों। तो यही दोस्तों आज हम आप लोगों को बताना चाहते थे जो हमने इसमें प्रोसेस आया है। अगर जो आपको उस प्रोसेस को कम्प्लीटली जो है कम्प्लीट कर लिया तो आपका 100% पैसा आ जाएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ वो आप तक पहुँच सके दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।